मुंबई घुमाई घर जा ब्या बबुआ, बड़ा पाव खूब खा ब्या बबुआ। हाय गाइस, नमस्कार। अवधी उमंग चैनल से मैं हरिहर जी निर्मल आप सभी दर्शकों का स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आइए, आज मुंबई की नगरी में घूमने का मौका मिल रहा है। कहाँ घूम रहे हैं ये तो हमको भी नहीं पता, पर लोडोए पे घूम रहे हैं। हमारे साथ हैं राजराम भैया, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। मुंबई की नगरी में इनका सपोर्ट, इनका साथ मिला, इनका प्यार मिला, अपनापन मिला, बड़ा मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। बीके सी का सब सीन है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। बहुत वीआईपी वीआईपी बिल्डिंगे हैं। ये देखिए क्या नजारा है। तभी तो मुंबई कहते हैं माया नगरी। जो मुंबई आता है वो मुंबई का ही होके रह जाता है। देखिए कितना सुहावना दृश्य, कितना मनोरम दृश्य सामने नजर आ रहा है। एक्सीलेंट। यादगार रहे इसलिए ये वीडियो शूट कर रहे हैं, और आप भी देखकर इसका भरपूर आनंद लें। कितना क्लीन है मुंबई, बिल्कुल साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया गया है। रोड पर जैसे रोज झाड़ू लगता है सुबह शाम, बहुत क्लीन। यातायात का बहुत पालन अच्छा किया जाता है यहाँ पे। यातायात का नियमों का पालन बहुत ही खूबसूरत ढंग से किया जाता है। और हम जानना चाहेंगे राजराम भैया से कि ये कौन सी जगह है भैया? बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। फाइनली हम लोग लक्ष्य जो बना करके निकले हुए हैं वो अमिताभ बच्चन जी के बंगले की तरफ निकले हुए हैं। अब वहाँ पहुँचने के बाद कहाँ कहाँ पहुँच पाते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अभी जो दृश्य दाएं बाएं का नजर आ रहा है वो बड़ा सुंदर मनोरम नजर आ रहा है, और हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं जुहू की तरफ। जुहू जहाँ अमिताभ बच्चन जी का बंगला है। मुंबई नगरिया तू देख बबुआ, वाह जी बहुत गजब। एक बेहतरीन गार्डन का नजारा है। अगर यहाँ बिल्डिंगे हैं तो गार्डन भी है। अभी इस वक्त पहुंचे हैं हम लीलावती हॉस्पिटल। आपने सुना होगा कि ये एक वीआईपी हॉस्पिटल है, जाना माना हॉस्पिटल है। अभी हाल में ही जब अमिताभ बच्चन बीमार हुए थे तो इसी लीलावती हॉस्पिटल में ही एडमिट हुए थे। ये देखिए, ये है लीलावती का गेट, लीलावती हॉस्पिटल का गेट। आइए यहाँ से नजारा लेते हैं जी। ये देखिए मुंबई का डोमेस्टिक एयरपोर्ट, यहाँ से लोकल के लिए जहाजें उपलब्ध होती हैं, फ्लाइट यहाँ से आसानी से मिल जाती हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय विमानतल, यहाँ से इंडिया के लिए विमान आसानी से मिल जाता है। ये रहा टावर, आप देख रहे होंगे, और बड़ा ही मनोरम दृश्य है। और इसके बाद हम लोग चलेंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। हालांकि ट्रैफिक ज़्यादा है, गाड़ियां ज़्यादा हैं रोड पर। अब भाई मुंबई है तो ट्रैफिक तो रहेगा ही। जब गांव में इतनी ट्रैफिक हो जाती है कि जरा से दो मिनट के लिए गाड़ी रुके तो पीछे पीछे गाड़ियां लग जाती हैं, तो ये तो मुंबई है भाई। ये देखिए कितना बढ़िया बेहतरीन दृश्य नज़र आ रहा है। अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं सहारा स्टार होटल।
सहारा स्टार होटल। जी हाँ, ये आप देख रहे हैं आपके सामने सहारा स्टार होटल, हालांकि लखनऊ में ज़्यादा फेमस है सहारा। और फिर आगे हम लोग चल रहे हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास। ये देखिए, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का स्थान शुरू हो रहा है। हम लोग नीचे से जा रहे हैं, ऊपर के ब्रिज को छोड़ दिए, नीचे से अंडरग्राउंड से होते हुए निकल रहे हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ से आरंभ हो जाता है। अब हम तो आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं और राय राम भैया आपके लिए ये गाड़ी चला रहे हैं। ये देखिए, एक बहुत ही सुंदर आपके सामने गार्डन आ गया है। ये देखिए, वाह, बड़ा मनोरम दृश्य लग रहा है, बहुत ही सुंदर दिखने में प्रतीत हो रहा है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये यही है, यहाँ से शुरू हो रहा है। आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं और पीछे गाड़ी में पीछे भी लोग बैठे हैं, वो लोग भी सोच रहे हैं बक 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 पागलों की तरह क्या कर रहे हैं। यहाँ से एयरपोर्ट का अभियान शुरू हो गया है। कितना क्लीन है रोड, कितना सुंदर है दिखने में लग रहा है, एकदम पत्ती का एक तिनका भी नजर नहीं आ रहा है रोड पर, दाएं बाएं भी कोई तिनका नजर नहीं आ रहा है कि कूड़ा करकट कहीं हो। और किनारे किनारे रोड के देखिए कितनी बढ़िया हरियाली है, कितने बढ़िया पेड़ हैं, बहुत गजब का सुहावना दृश्य दिखाई दे रहा है, बहुत ही मनोरम दृश्य दिखाई दे रहा है दोनों तरफ। ये देखिए रोड के दोनों तरफ किस तरीके से पेड़ लगे हुए हैं, और सामने आपको एक अद्भुत नजारा दिखाई दे रहा होगा, पहाड़ भी सामने नजर आ रहा है पेड़ों के साथ साथ। ये देखिए, बहुत जूम करके मैंने दिखाया है, पहाड़ भी। भाई मुंबई में पहाड़, बिल्डिंग और पानी, ये तीन चीज जाते हैं। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये नजारा, वाओ। ये है मुंबई का लोकमान्य तिलक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए कितनी खूबसूरती से इसका निर्माण हुआ है, इतना बेहतरीन नज़ारा देखने में लगता है जैसे लगता है कि हम बिल्कुल स्वर्ग में आ गए हों। ये देखिए, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इस छत का निर्माण किया गया है जो देखने में अद्वितीय बिल्कुल लगता है। बरबस ही ये निगाहों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। और कितनी साफ सफाई, कितनी सुंदर व्यवस्था, कितनी सुंदर यहाँ शालीनता देखने को मिल रही है कि मैं तो भाई बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गया हूँ। इतना बढ़िया नज़ारा मुझे यहाँ का एयरपोर्ट का देखने का मिल रहा है।